जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। नया क्वेश्चन डीआई का लेकर आया हूं, पूरा डर खत्म करूंगा आपका और जो भी एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चन उसके लिए भी डर खत्म कर दूंगा। फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये आंकड़ा क्या कहता है। ये एक आंकड़ा दिया गया है और इसमें हमें ध्यान से देखिए, छह अलग अलग क्या क्वेश्चन दिया है, छह अलग अलग शहरों में रहने वाले, ठीक है, क्या बोला है, छह अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या दी गई है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, हजारों में लिखा है, क्या लिखा है, संख्या किसमें दी है, हजारों में दी है, जिसमें पुरुष महिलाएं और बच्चे दिए हैं। क्या क्या दिए हैं, पुरुषों का, महिलाओं का और बच्चों का जो है वो परसेंटेज दी गई है, वो पर क्वांटिटी नहीं दी है, ठीक है। अब जैसे पी नगर है कोई, जैसे आपका पालमपुर है, तो उसकी जो लोगों की संख्या है वो 48.35 मल्टीप्लाई बाय 1000 होगी। कितनी होगी, 1000, क्योंकि हजारों में बोला है, ठीक है। ये पुरुषों की, महिलाओं की और ये बच्चों की है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लगाएं। अब किस नगर में बच्चों की न्यूनतम संख्या है, पहला सवाल आ चुका है बच्चों की न्यूनतम संख्या। अब आपको पता है बच्चों की जो परसेंटेज है वो यहां दी गई है और टोटल जो जनसंख्या है वो ये है, तो इस संख्या का इतना प्रतिशत जो है वो पी नगर की संख्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बारी बारी जो है इन्हीं नगरों की जो है वो संख्या को निकालेंगे। तो गुणा कर दीजिएगा आप इसको हजार से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 26/100। 100 किस चीज का है प्यारे बच्चों, वो है परसेंटेज का, है ना, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, दो जीरो से दोनों जीरो गई तो कितना आ जाएगी, इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 12571। इसी प्रकार से क्यू की निकालेंगे आप, हजारों में है इसलिए हजार ही आ गया, 26/100 जैसे हमने यहां बच्चों के लिए लिया, अब दूसरे नगर के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, 25/100। दो जीरो से दो जीरो गया, कैलकुलेट कर लेना है आपने इसको, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा प्यारे बच्चा, 8040। इसी प्रकार से आर नगर की बारी आएगी, सेम यही प्रोसेस आपने सभी के लिए लगाना है। परसेंटेज 22 दिया है, अपॉन 100 दोनों जीरो गए, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 11924। फिर नेक्स्ट के लिए चले जाना है, हजार और 20/100 कर देना है, कितना हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट कर लीजिएगा सभी साथ साथ में, कैलकुलेट जो है वो प्रॉपरली करते रहिए। तो एस में कितना हो जाएगा आपका, वो आ जाएगी आपकी संख्या 8884। इसी प्रकार से एस हो गया आपका, अब टी के लिए निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ईयर दिया है या परसेंटेज दिया है 18/100, तो कैलकुलेट कर लीजिए टी के लिए कितना हो जाएगा, 11745। इसी प्रकार से यू के लिए निकालिए, बाईस बटा सौ कैलकुलेट कर लीजिए तो 12496। तो ये आ गई पूरी संख्या बच्चों की। अब हम ये यहां पर जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था न्यूनतम संख्या कौन से नगर की है, तो अब आप यहां पर पहचानेंगे तो क्यू नगर की संख्या जो है वो सबसे कम है 8040, और सभी जो संख्याएं हैं वो 12000, 11000, ये थी 8884।
यानी कि 8884 पर 8800 है और वो सीधी 40 है, ठीक है। तो छोटी संख्या कौन सी हुई, Q। तो आंसर क्या आएगा, Q आंसर आएगा। ये आपको क्वेश्चन नोट भी करना है और दिमाग में बिठा कर रखना है। क्वेश्चन समझ आ गया हो तो जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी में ही टाइप है, सभी नगरों में कुल पुरुषों का औसत बताएं। अब जैसा आपने ये हमने बच्चों के लिए औसत निकालना है या मतलब टोटल क्वांटिटी निकाली है, अब आपको पुरुषों की पूरी क्वांटिटी निकालनी है। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं या आपके लिए मैं यहां पर कर देता हूं पुरुषों के लिए, ठीक है जी। ठीक है, किसके लिए, पुरुषों के लिए, पुरुषों की क्वांटिटी यहां पर निकाल देता हूं। पहले भवन में बताइए पहले का कितना आएगा जी, पुरुषों का आ गया, ये टोटल क्वांटिटी आ गई 48.35 गुणा 1000 गुणा 38/100। कैलकुलेट करिए भैया कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा आपका। अठारह हजार तीन सौ तिहत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे का निकालिए आप, फिर से टोटल क्वांटिटी कितनी आई 32.16, हजारों में है इसलिए हजार गुणा पुरुषों का बोला है तो 45/100। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको 14472 इस प्रकार से, ठीक है जी। ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार से आपने अब R के लिए निकालिए, R का कैसे निकलेगा, R की क्वांटिटी कितनी है टोटल 54.20 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 47/100। अब इसको भी कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 25474। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है आपका 44.42 × 1000 35/100 इस प्रकार से, ठीक है। सभी ने ऐसे ही सभी के निकालने हैं आपको। इसका भी ये देखिए 65.25 × 1000 1000 तो पता लग गया होगा हजारों में बोला है इसलिए, है ना, और 54% फिर इसी प्रकार से अगले का है कितना आ जाएगा, टोटल आ गया 56.80 × 1000 और 53/100। तो इसे कैलकुलेट कर लेना है आप सभी ने कितना कितना आ जाएगा, दिमाग में डालिएगा ये। तो एक का आ जाएगा आपका 15547, मैच करिएगा अपना अपना आंसर, 35235 और 30104। अब आपने क्या करना है, अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है एवरेज औसत। तो आपने ये जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स हैं या पुरुष हैं इन सबको गिन लेना है, यानी कि ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 139205।
एवरेज पूछी है तो पुरुषों नगरों की संख्या देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर भी आपको बोला है 6 अलग अलग से हैं, 6 सिटीज हैं, डिफरेंट सिटीज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1,39,205 को डिवाइड कर लेना है 6 से, जो कि आपकी ऑप्शन बी और सी में बैठ रही है, ठीक है। अब आपको इसके नियर अबाउट की वैल्यू दिखाऊं तो मैं आपको बताऊं, तो ये देखिए यहां पर 0 और यहां पर 5 क्वांटिटी में आ रहा है, पर यहां पर भी 5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन करिए, सेम क्वेश्चन बन जाएगा बच्चा, ठीक है। मगर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, 23,200 5/6, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन जो है वो रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो डीआई के क्वेश्चन जो है वो हमारे कवर होते हैं। आपको क्लियर है सबको तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लियर हो गया है, सभी कमेंट कर दीजिएगा साथ साथ में जी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसी सेम क्वेश्चन के ऊपर ही, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नगर आर, ये है नगर आर में महिलाओं की संख्या और नगर टी में महिलाएं ये हैं, तो आर की बात हो रही है, ये आर है और ये टी है, इनका अनुपात का बताना है, महिलाओं की अनुपात का बतानी है। तो अब आपका कैसे करेंगे, पहले महिलाओं का टोटल जो है वो निकालिए, कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है, 8 नंबर सवाल है, तो टोटल निकालिए, 5,420 × 1,000 × 31/100, ऐसे दूसरे का भी निकालिए, टी के लिए भी 65.25 × 1,000 × 28/100, इसे कैलकुलेट करने से आपके पास जो है वो टोटल महिलाएं जो है वो निकल जाएंगी, टोटल महिलाएं दोनों नगरों की कितनी आ जाएंगी, एक आ जाएगी 16,802, कितनी आ गई जी, 16,802, और दूसरे नगर की संख्या क्या आएगी, कमेंट कर सकते हो, 18,270, कमेंट करिएगा साथ साथ में कि आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन फास्ट होना जरूरी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, साथ साथ में करते रहना है। अब आपको इसको रेशियो में बदलना है, तो मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है, तो उसी तरीके को आप अपनाए, ठीक है, और तो कोई तरीका है नहीं, एचसीएफ निकालें दोनों का और उसके एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट कट जाएगा, 16,802 और 18,270 को, तो कटिंग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8,401 और 9,135, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन जो है वो गिनी जाएगी आपकी, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होना था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बोलता है, यू नगर ये है, मैं कुल संख्या के नगरों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, यानी कि यू नगर की कुल संख्या और कुल संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अब कुल नगर की संख्या अगर बोला है तो आप पहले यू नगर में लोगों की कुल संख्या कितनी है, यू की नगर की संख्या 56.80, तो इससे हम जो है टोटल संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहीं पे निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, अब कितनी आएगी, 56
एट भी इधर आ जाएगा, जीरो भी आएगा, 5 6 8 0 0। इतना क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और टोटल की ये टोटल योग था, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 301180। अब बोला है इन दोनों की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि दोनों को आपस में क्या कर देना आपने, डिवाइड। बहुत बढ़िया, 5 6 8 00 over 301180 multiply 100। बताइए इतना समझ आ गया तो जरूर थंब दिखाएं आप। तो इसका आंसर जो है वो 18.8 लगभग आएगा परसेंट, जो कि ये यहां आगे एक्सटेंड हो जाता है आपको पता है, तो लगभग आपका 19% अप्रोक्सीमेटली जो है वो आंसर मैच करेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ई ऑप्शन 19 जो परसेंट है वो सही ऑप्शन रहेगी। क्लियर हुआ? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन इसका। 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा, सभी मैं बता देता हूं, 5 क्वेश्चन आते हैं, पूछ रहे हैं कमेंट करके कितने क्वेश्चन आते हैं डीआई के, तो 5 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। अभी आने वाले हाल ही में आरपीएफ का पेपर होगा, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिले जाएंगे, तो इसलिए मिलने से पहले आप इन क्वेश्चन को करिए सभी। क्वेश्चन कहता है नगर एस की महिलाओं की संख्या और नगर पी की महिलाओं, नगर एस और पी, ठीक है। अब जिसका बोला है पहले उसी का नंबर आएगा, महिलाओं की बात आई है तो आपने टोटल यहां पर हमने पहले ही संख्या निकाल चुके हैं, देखेंगे तो ये पुरुषों वाला किया था, ये बच्चों वाला, नगर नहीं, ये नहीं आया है, एस नहीं आया है, पी भी नहीं आया। सबसे पहले महिलाओं की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 48.35 × 1000 × 36/100। एक ये आ जाएगा पी का, और ये पी वाला है, ऐसे एस का भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 44.42 × 45, पहले हजार ले लीजिए वो हजारों में है, 45/100। दोनों की कैलकुलेशंस आपने करनी है, तो 1998 एक का आ जाएगा और दूसरे का कितना आएगा बेटा, 17। अच्छा उल्टा लिख दिया, ठीक है, 1998 कितना था, 1998 89 89, और इसका कितना था, 17406, क्या आएगा, 17406। अब ये इन्होंने क्वेश्चन में किसका पूछा है, एस का पूछा है पी से, तो एस की वैल्यू ऊपर लिखेंगे और पी की वैल्यू नीचे लिखेंगे, तो क्या आएगी आपकी, 19989/17406 × 100। ठीक है जी, ओके है, और आंसर आ गया 114.84%। आपने ये कैलकुलेट कर लेना है, लगभग सी ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन जो है वो रहेगी, सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन जो है वो रहेगी। ये था हमारा डीआई का दूसरा क्वेश्चन, जो कि बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था। प्रैक्टिस खुद करिएगा, कैलकुलेशंस लंबी जा रही हैं, उन कैलकुलेशंस को आपने प्रैक्टिस से जो है वो क्लियर करना है।
आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, इसी चैनल पे फिर से लेकर आऊंगा मैं DI के नए क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।